हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। टीवी का एक बड़ा शो स्टार प्लस का सुपर डुपर हिट शो हो रहा है ऑफ एयर, और इसके ऑफ एयर होने के बाद अब इसकी लीड एक्ट्रेस ने बताया है अपना दर्द कि वो इंतजार कर रही थी कि शायद किस तरह से कोई चमत्कार हो जाए और शो ऑफ एयर ना हो। क्या है पूरी कहानी और क्या बोला है एक्ट्रेस ने, चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, स्टार प्लस पर शो आता है शौर्य और अनोखी की कहानी, और ये शो अब ऑफ एयर हो रहा है। इस शो की लीड एक्ट्रेस देवात्मा साहा और इस शो का एक्टर करणवीर रातों रात एक बड़ा नाम बन गए। लोगों को ये दोनों काफी ज्यादा पसंद आने लगे। लेकिन अचानक से फिर खबर आई कि शौर्य और अनोखी की कहानी ऑफ एयर हो रहा है, और ऐसे में इस शो की एक्ट्रेस देवात्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। देवात्मा ने कहा कि मैं दुआएं करती रही, प्रे करती रही और अपने परिवार में सबको बोलती रही कि वो भी प्रे करें कि शो बंद ना हो। मैंने अंत तक, आखिरी दिन तक होप नहीं छोड़ी। मैं सोच रही थी कि शायद मेकर शो को डिजिटली ले जाएं। एक चमत्कार के इंतजार में थी मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक बहुत ही बबली और फन लविंग लड़की हूँ, लेकिन ये सब होने के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैं सेट पर बहुत कम बात करने लगी क्योंकि मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी अपने सीन्स को परफॉर्म करते हुए। मैं बीच में रुक जाती थी, अपने आंसुओं को पोंछती थी और फिर अपने आगे के डायलॉग्स बोलती थी। मैं पूरी तरह से इस शो के बंद होने के बाद टूट गई हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देवात्मा को बहुत शोहरत मिली है सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी से, और इस समय इंडस्ट्री में काम भी नहीं है। ऐसे में शो का बंद होना एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना अब ना भूलें।